बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में नेक्स्ट हम जो हमारी लबैग इंटीग्रेशन हमारी जो बुक है इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेफिनेशन जो लबैग आउटर मैयर की वो, और इसके अलावा ये जो रिमार्क 1.15 है इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 प्रूफ्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रूफ्स हैं तो ये कोशिश करेंगे हम सारे अपने कवर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें क्लियरली ये जो स्टाइलिश आर डबल में लिखा हुआ है डैट मीन्स के ये सेट ऑफ रियल नंबर है। तो क्लियरली ये जो आर है ये बिलोंग कर रहा है 2r से, मीन्स के अपने पावर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड सो फॉर एनी ए इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ए कोई भी क्या है सबसेट है इस रियल नंबर का, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सीक्वेंस आई एन ऑफ ओपन इंटरवल। तो फिर एक ओपन इंटरवल की सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, उस सीक्वेंस को क्या कह रहे हैं आई एन कह रही हैं, सच डैट के जो ये ए है जो कि सबसेट है आर का वो जो है पूरा का पूरा कंटेन करेगा किसमें, यूनियंस ऑफ आल सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स में कंटेन करेगा, मींस कि इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर होंगे। इन फैक्ट वी मे टेक आई एन इक्वल टू आर। ठीक है, अगर हम इस जो सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल है इसको अगर मैं आर ले लूँ, मीन्स के सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल ले लूँ कुछ भी हर एन के लिए, तो दिस मोटिवेट्स फॉर द फॉलोइंग। तो नेक्स्ट ये डेफिनेशन और रिमार्क से आपको समझ आती है क्या कह रही हैं। द लेबैग आउटर मैयर इज़ अ सेट फंक्शन, जो लेबैग आउटर मैयर है ये एक सेट फंक्शन होता है एम स्टैटिक फ्रॉम टू पावर सेट ऑफ आर से, कहाँ मैप हो रहा है 0 to ∞, मीन्स के नो नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन पे, नेगेटिव सारे स्किप हो गए हैं। तो जो अब आउटर मैयर की जब हम बात की थी तो हमारे पास उसमें क्या होता था कि जो एम स्टेरिक है वो कहाँ पे होता था, मैप कहाँ पे होता था, उसमें हम लेते थे 2x, मीन्स के पावर सेट ऑफ एक्स लेते थे, वो मैप होता था सेम एज इट इज़ यही 0 to ∞ क्लोज इंटरवल। लेकिन जो लेबैग आउटर मैयर है एक सेट फंक्शन है जो कि पावर सेट ऑफ रियल नंबर से कहाँ पे मैप है 0 to ∞ डिफाइन एज। तो लेबैग आउटर मैयर किसी भी सेट की किस तरह से डिफाइन की जाती है कि रिप्रेजेंट, तो हम इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, लेबैग आउटर मैयर ऑफ ए इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस सेट। इधर इस सेट का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स आई एन होते हैं उन सब सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स की हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं, लेंथ फाइंड आउट करने के बाद उन तमाम जो लेंथ आती हैं उनका समीशन कर देते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई क्या आ जाता है रियल नंबर आ जाता है। इस तरह से आपके पास पूरा ये वो एक सेट बन जाता है, तो उसका आप जब इन्फिमम फाइंड आउट करते हैं तो वो बैग आउटर मैयर ऑफ सम सेट के इक्वल आ जाता है, सच डैट इसमें जो ए है वो पूरा का पूरा कंटेन करता है यूनियंस ऑफ ओपन इंटरवल्स आई एन में, वेयर इन्फिमम इज टेकन ओवर फिनाइट और काउंटेबली सीक्वेंस आई एन। जी इधर से देख लें कि वेयर जो लेंथ ऑफ आई एन है ये चीज़ ये क्या है लेंथ ऑफ द इंटरवल है आई एन, और जो इन्फिमम है इन्फिमम इज टेकन ओवर द सेट ऑफ ऑल काउंटेबल कलेक्शन, और उसके बाद जो भी आपके पास जो सेट बनेगा उसका फिर हम इन्फिमम लेंगे। ठीक हो गया, और जो ये ए है वो इसमें कंटेन करता है। उसके बाद रिमार्क में देखें 1.15 फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ रियल नंबर एम स्टेरिक ए, मीन्स के लेबैग आउटर मैयर ऑफ ए हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 के। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव होगी, बिकॉज लेंथ अगर आप किसी भी इंटरवल की लेंथ फाइंड आउट करें ना तो हमेशा वो नो नेगेटिव होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि आउटर मैयर ऑफ जो एम्प्टी सेट फाई होता है वो इक्वल टू होता है 0 के। अब इस तरह से ना इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आ सकता है कि लेबैग आउटर मैयर ऑफ एम्प्टी सेट प्रूफ करें कि वो 0 के इक्वल है। अब इसके प्रूफ में ना एक दो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस यूज़ होंगी वो आप देख लें। देखें ये एक तो रिज़ल्ट है कि अगर आई एन क्या है काउंटेबल कलेक्शन है ओपन इंटरवल्स का विद जिसमें ए जो है वो कंटेन कर रहा है यू एन आई एन में, देन आपके पास जो लेबैग आउटर मैयर होती है ना वो लेस इक्वल टू होती है लेंथ ऑफ द सम के। तो यहाँ ना आपने अब ये बात याद रखनी है कि किसी भी सेट की जो लेबैग आउटर मैयर होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है
लेंथ ऑफ दी आल द सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स के सम के। अब देखें लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए का क्या मतलब है, हम क्या करते हैं, लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू हम इन्फिमम करते हैं किसी भी सेट का जो हमने सेट देखा, ठीक है, मतलब किसी भी सेट का इन्फिमम जो है वो उसकी लेंथ ऑफ समीशन के लेस देन इक्वल टू होता है। नेक्स्ट देखें लेंथ और किसी भी इंटरवल की कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कोई भी हमारे पास इंटरवल है इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय एल ऑफ आई, इसको डिनोट इस तरीके से किया जाता है एंड डिफाइंड एज लेंथ ऑफ आई इक्वल टू बी माइनस ए, मीन्स कि जो इंटरवल होगा ना हमारे पास उसका जो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जो एंड पॉइंट्स दिए गए होंगे लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट हम कर देंगे तो वो हमारे पास लेंथ आ जाएगी उस इंटरवल की। ये लेंथ उस इंटरवल की कब आएगी, अगर इंटरवल बाउंडेड होगा, और अगर इंटरवल अनबाउंडेड होगा तो उसकी लेंथ इन्फिनिटी आएगी। अब इसका प्रूफ देखें, अब इसका प्रूफ हम देखने लगे हैं कि आउटर मेजर ऑफ जो फाई है वो इक्वल टू ज़ीरो कैसे है। तो देखें इसका प्रूफ लेट कर लेते हैं, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया, देन जो फाई है वो कंटेन कर रहा है इस इंटरवल में, मीन्स के यहाँ आप अगर मैं बनाऊँ ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ कोई भी आप ओपन इंटरवल ले लें, ये हमने ओपन इंटरवल ले लिया, ये क्या है माइनस एप्सिलॉन बाय फोर है और ये क्या है पॉजिटिव एप्सिलॉन बाय फोर है। तो हम जानते हैं कि फाई तो हर इंटरवल में कंटेन करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये जो इंटरवल को मैंने कह दिया आई, अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो फाई है वो कंटेन कर रहा है किस में, आई में। अब देखें अब ये फाई इसमें कंटेन कर रहा है तो जब मैं इसकी लेबेग आउटर मेजर फाइंड आउट करूँगी तो वो लेस देन इक्वल टू नहीं होगी इस इंटरवल की लेंथ के। हमने अभी यही मकसद था ना इसका पढ़ने का कि लेबेग आउटर मेजर किसी भी सेट के लेस इक्वल टू होती है उसकी लेंथ के, ठीक है, उसकी लेंथ के लेस इक्वल टू होती है। तो फिर देखें जब आप इसके लिए बैक आउटर में ये फाइंड आउट करेंगे तो वो लेस इक्वल टू होगी लेंथ ऑफ दिस इंटरवल के, ठीक हो गया। अब हम ना लेंथ ऑफ आई एन इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटरवल हमारे पास ये गिवन है, आपने क्या करना है देखें एप्सिलॉन बाय फोर है माइनस माइनस एप्सिलॉन बाय फोर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एप्सिलॉन बाय फोर, एप्सिलॉन बाय फोर क्या हो गया एप्सिलॉन बाय टू, तो इसको माइनस इसको किया तो एप्सिलॉन बाय टू, अब ये जो हाफ है तो ये छोटा नहीं एप्सिलॉन से, एंड सो बाय डेफिनेशन ऑफ एम स्टेरिक फाई मीन्स के लेबेग आउटर मेजर वी हैव के जो हमारे पास लेबेग आउटर मेजर फाई की है वो लेस आई है एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह ये बुक में इस तरह लिखा हुआ है, बुक से मैंने लिखा है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि लेबेग आउटर मेजर जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। द नॉन नेगेटिव रियल नंबर एम स्टेरिक फाई इज लेस देन एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन सो इट मस्ट बी ज़ीरो इटसेल्फ। इसमें वही बात बता रहे हैं कि हर नॉन नेगेटिव जो रियल नंबर होता है वो हमेशा लेस होता है हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से, ठीक है, जैसा कि यहाँ लेस है तो ये मस्ट बी जो किसके इक्वल होगा ज़ीरो के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थ्री देखें, लेबेग आउटर मेजर ऑफ अ सिंगलटन सेट जो एक्स है सिंगलटन और ये एक्स बिलोंग कर रहा है आर से रियल नंबर से इज ज़ीरो। इसके लिए भी देखें टेक एप्सिलॉन पॉजिटिव, अब इसमें भी जो सिंगलटन हमारे पास एक्स जो सेट है वो कंटेन कर रहा है इस किसी एक इंटरवल में, ठीक है, ये इंटरवल भी आप जैसे यहाँ बना लें, यहाँ अगर मैं रियल लाइन पे इस इंटरवल को ड्रॉ करूँ ना, जैसे मैं कहूँ यहाँ मेरे पास एक्स है, एक्स में से कोई चीज़ माइनस कर दूँ तो एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय फोर मैं कोई चीज़ माइनस कर दूँ और एक्स में एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय फोर क्या कर दूँ ऐड कर दूँ, तो मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला ये जो इंटरवल बना है मेरे पास ओपन, ठीक है, ये इंटरवल हमारे पास ओपन बना है, तो हम कह रहे हैं कि जो सिंगलटन एक्स है ये जो ओपन इंटरवल है उसमें कंटेन कर रहा है, इसी में कर रहा है ना कंटेन। उसके बाद अब इसकी भी उसी तरह सेम एज इट इज़ लेबेग आउटर मेजर फाइंड आउट की, हम जानते हैं लेबेग आउटर मेजर किसी भी सेट की वो जो इंटरवल हम लेते हैं ना ओपन इंटरवल उसकी लेंथ से क्या होती है लेस देन इक्वल टू होती है, तो लेस इक्वल टू होती है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू अब हमने जो ये इंटरवल है इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक हो गया, तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय फोर माइनस एक्स हो जाएगा और इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा एप्सिलॉन बाय फोर,
तो ये हमने लेंथ फाइंड आउट करी, तो ये लेस देन इक्वल टू आ गया, यहाँ से माइनस एक्स और ये तो कैंसिल हो गए, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, एप्सिलॉन बाय टू बन गया। तो ये एप्सिलॉन बाय टू लेस नहीं है एप्सिलॉन से, और यहाँ जो एप्सिलॉन है ये क्या है, इज़ आर्बिट्रेरी है। तो यहाँ से फिर हमें पता चला कि जो लेबेग आउटर मेजर ऑफ एक्स है वो लेस है किससे, एप्सिलॉन से। तो फिर यहाँ से इट इम्प्लाइज़ डैट कि जो लेबेग आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट एक्स था वो इक्वल टू आ गया ज़ीरो के, ठीक है, हैंस प्रूव है। उसके बाद नेक्स्ट ये फाइनल फोर्थ, आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है तो ऐसा करते हैं, ये फोर्थ पार्ट और ये जो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है ना, इसका हम नेक्स्ट फिर वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको अब कोई कन्फ्यूजन है जो हमने दो प्रूफ्स किए और ये जो इसकी स्टेटमेंट पढ़ी, तो ज़रूर पूछें कमेंट्स के ज़रिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो उन्हें समझाया करें, अगर शेयर नहीं करनी वीडियो तो उन्हें खुद समझाया करें, देन आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।